तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि रेंसी इस जगह पर आ जाती है और वो यहाँ पर बाइतियान का इंतजार करने लगती है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम बाइतियान को देखते हैं जो कि रेंसी के पास आ जाता है और वो बोलता है, रेंसी आज तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। इस पर रेंसी बोलती है, बाइतियान तुमने एल्केमी कॉम्पिटिशन को जीत लिया है लेकिन अब तक तुमने मुझे पार्टी तो नहीं दी है ना। इस पर बाइतियान बोलता है, चलो अंदर चलते हैं और इस चीज के बारे में बात करते हैं। इस पर रेंसी भी हाँ बोलकर बाइतियान के पीछे पीछे में चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर रेंसी ने बाइतियान के लिए चाय बना दिया था और वो बोलती है, बाइतियान तुम यहाँ और कितनी देर तक रहने वाले हो क्योंकि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही जल्द इस जगह से जाने वाले हो। इस पर बाइतियान बोलता है, 2 दिन के अंदर मैं इस जगह से चला जाऊंगा। इस बात को सुनकर रेंसी थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोलती है, तुम इतनी जल्दी इस जगह से जाने वाले हो बाइतियान। इस पर बाइतियान भी हाँ बोलता है लेकिन तभी रेंसी बोलती है, अगली बार जब तुम हम लोगों के सिटी में घूमने के लिए आओगे तब तुम्हें मुझसे मिलने के लिए आना होगा। रेंसी यहाँ पर ये सब बोल ही रही थी लेकिन तभी हम मिस चैन को देखते हैं जो कि बाइतियान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, बाइतियान मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम लोगों की मुलाकात इस जगह पर हो जाएगी, सच में हम लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इस बात को सुनकर रेंसी बोलती है, मिस चैन तुमने तो यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा लेट कर दिया है क्योंकि मैं और बाइतियान कब से इस जगह पर बैठकर बात कर रहे थे। इस पर मिस चैन बोलती है, बाइतियान अगर मैं इस जगह पर बैठती हूँ तो इस चीज की वजह से तुम लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना। इसके बाद मिस चैन बाइतियान के कुछ ज्यादा ही नजदीक जाने लगती है। इस चीज को देखकर रेंसी इन दोनों के बीच में आ जाती है और वो बोलती है, बाइतियान मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली इस केक को तैयार किया है जिसका स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्या तुम इस चीज को चखकर मुझे बता सकते हो। इस पर बाइतियान इस केक को खाने ही वाला था लेकिन तभी मिस चैन बोलती है, दादाजी ने मुझे एक पुराने वाइन की बोतल दी है, बाइतियान क्या तुम इस चीज को यहाँ पर ट्राई करना चाहते हो। और वो ये बोलने के बाद में एक कप वाइन बाइतियान को दे देती है। इस चीज को देखकर बाइतियान यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर बाइतियान की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी कर रही थी। इसके बाद बाइतियान फाइनली इस वाइन को पी लेता है जिसका स्वाद इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो इस वाइन की यहाँ पर थोड़ी सी तारीफ कर देता है। इस बात को सुनकर मिस चैन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है, मुझे पता था बाइतियान तुम्हें इसका स्वाद जरूर से पसंद आएगा। इसके बाद बाइतियान यहाँ पर और भी ज्यादा शराब पीने लगता है लेकिन तभी बाइतियान के पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, नहीं इस वाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, फिर आखिरकार मेरे साथ यहाँ पर ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी रेंसी बाइतियान की हालत को देखकर थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और वो मिस चैन को बोलती है, आखिरकार तुमने यहाँ पर किस तरह के वाइन को बाइतियान को पिला दिया है जिसकी वजह से इसकी कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है। इस पर मिस चैन बोलती है, मेरे दादाजी ने बताया था कि इस वाइन को चावल से बनाया जाता है और इस वाइन को जो कोई भी पीता है उसे बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। लेकिन तभी हम बाइतियान को देखते हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इस चीज को देखकर रेंसी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। तभी बाइतियान बोलता है, ज्यूइन टावर में क्या तुम मुझे एक कमरा दिला सकती हो। इस पर रेंसी भी हाँ बोलकर ज्यूइन टावर की ओर चली जाती है। इसके बाद मिस चैन बाइतियान के पास आकर बोलती है, बाइतियान क्या तुम ठीक हो। इस पर बाइतियान बोलता है, तुम मुझसे दूर रहो, क्या तुम सच में नहीं जानती हो कि यह किस तरह की वाइन है। इस पर मिस चैन बोलती है, सच में मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बस मुझे दादाजी ने इतना बताया था कि जब मैं अकेली रहूं तब मैं इस वाइन को पी सकती हूं क्योंकि इस वाइन को पीने के बाद बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। इस बात को सुनकर बाइतियान यहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी मिस चैन बोलती है, बाइतियान क्या तुम ठीक हो और मैं क्या यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। इस पर बाइतियान बोलता है, तुम इस चीज में मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकती हो, और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मिस चैन यहाँ पर बाइतियान का पीछा करने लगती है। इस चीज को देखकर बाइतियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो मिस चैन के थोड़ा सा नजदीक जाते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बोला ना तुम इस चीज में मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकती हो, मतलब नहीं कर सकती हो, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम इसी जगह पर रुको, नहीं तो कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। इसके बाद बाइतियान यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर दो लड़की आ जाती है और वो मिस चैन को बोलती है, क्या तुम ठीक हो। इस पर मिस चैन बोलती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन आखिरकार इस जगह पर बाइतियान के साथ हुआ क्या था, क्योंकि मैंने उनकी आंखों में जो गुस्सा देखा था वो किसी को भी डरा सकता है, इसलिए क्या तुम लोग मुझे बता सकती हो कि आखिरकार बाइतियान के साथ हुआ क्या था। इस बात को सुनकर ये दोनों लड़की यहाँ पर हंसने लगती है। इसके बाद एक लड़की बोलती है, कच्चे चावल की हम लोगों ने जो वाइन बनाई थी वो शायद फफून के साथ मिल गई होगी क्योंकि इसी चीज की वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। इस बात को सुनकर मिस चैन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को रेंसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही हड़बड़ी के साथ में किसी जगह पर जा रही थी लेकिन तभी एक आदमी इसका रास्ता रोक लेता है और वो बोलता है, मैंने सुना है कि ज्यूइन टावर में किसी ने शारीरिक संबंध बनाया है, क्या तुम इस चीज के बारे में मुझे बता सकती हो। इस पर रेंसी बोलती है, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन ये आदमी तो रेंसी के रास्ते से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस चीज को दूर से बाइतियान भी देख रहा था और वो सीधे आकर इस आदमी के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से ये आदमी दूर जाकर गिरता है और इस चीज की वजह से इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, बाइतियान तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने यहाँ पर मुझे मारने की हिम्मत की है, और बाइतियान आज तुम यहाँ पर रेंसी के साथ में डेटिंग कर रहे थे है ना।
इस पर वाइतियान बोलता है, लेई जीवो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बस तुम्हें यहाँ पर डराने के लिए मारा था। और वो ये बोल के इसके ऊपर कंटिन्यू बहुत सारे अटैक करने लगता है, जिसे ये कल्टीवेटर यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वाइतियान बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो चाहकर भी इसके कोई भी अटैक को रोक नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। वाइतियान अभी भी इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा धोबी पछाड़ दे रहा था, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन वाइतियान अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इस चीज को दूर से रेंसी भी देख रही थी, इसलिए वो वाइतियान को रुकने के लिए बोलती है। इस पर वाइतियान बोलता है, क्या मेरा कमरा तैयार है? इस पर रेंसी हाँ बोलती है। इस बात को सुनकर वाइतियान बहुत ही तेजी के साथ कमरे की ओर जाने लगता है, और इसके पीछे में रेंसी भी चली जाती है। इसके बाद हम लोगों को कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वाइतियान के मन में रेंसी के प्रति बहुत ही ज्यादा बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, इसलिए वो बोलता है, रेंसी तुम इस जगह से अब चली जाओ। इस बात को सुनकर रेंसी बोलती है, वाइतियान क्या मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? इस पर वाइतियान बोलता है, तुम मेरी जगह पर कोई भी मदद नहीं कर सकती हो, तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम इस जगह से चली जाओ। इस पर रेंसी बोलती है, वाइतियान मैं इस चीज को खुद से करना चाहती हूँ, ना कि किसी के दबाव में आकर। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने कपड़ों को उतारने लगती है। इस चीज को देखकर वाइतियान बोलता है, रेंसी तुम आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रही हो? क्योंकि तुम्हें इस जगह पर अपने कपड़े दोबारा से पहन लेने चाहिए, क्योंकि मैं खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम इस जगह से चली जाओ। इस बात को सुनकर रेंसी भी अपने कपड़ों को पहनकर यहाँ से जाने लगती है, और वो बोलती है, वाइतियान मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। इधर हम वाइतियान को देखते हैं, जो कि मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसके सभी कपड़े फट जाते हैं, और उसकी बॉडी हम लोगों को देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार होती है। और इस चीज को दूर से रेंसी भी देख रही थी, लेकिन तभी वाइतियान अपने मन में सोचने लगता है कि अभी भी मैं खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं चाहता हूँ। और वो ये बोलकर दोबारा से यहाँ पर मेडिटेट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस चीज में इसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। इस चीज को देखकर यहाँ पर रेंसी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वाइतियान अभी भी इस जगह पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। और इस चीज को अपने कंट्रोल में करने में वाइतियान को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन वह कुछ देर यहाँ पर मेहनत करने के बाद फाइनली दोबारा से इन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है, और वो इस चीज में यहाँ पर सक्सेस भी हो जाता है। लेकिन इस चीज की वजह से वाइतियान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा थक गया था, जिसे देखकर रेंसी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। इसके बाद वाइतियान भी रेंसी की ओर देखने लगता है, उसे देखते देखते वह यहाँ पर बेहोश हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।